25 साल से एस्ट्रोनोमर्स रात में आसमान में एक खास चीज को ढूंढते आ रहे हैं, एक हो कि कोई और प्लैनेट हो जो हमारे प्लैनेट जैसा हो। उन्हें वैसे तो हजारों दूसरे वर्ल्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन जिसकी उम्मीद थी वो नहीं मिला। इनमें से कुछ तो वाकई बहुत बिजार हैं। यूनिवर्स का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। यहाँ है बगैर स्टार्स वाले ओफंड प्लैनेट्स, डायमंड्स के बने वर्ल्ड्स, और शायद अपने अपने सन का चक्कर लगाती बड़ी बड़ी आईबॉल्स भी। अगर इंसान हमारे जैसे किसी प्लैनेट पर पहुंच गया तो पागल हो जाएगा। क्या इनमें से कोई भी दुनिया हमारी अर्थ जैसी हो सकती है, जहां हमारी जैसी ही लाइफ हो, या फिर अर्थ जैसी कोई और जगह है ही नहीं? विज्ञान शो पेश करता है स्ट्रेंज एलियन वर्ल्ड्स। फोर हंड्रेड ईयर्स से भी पहले एक ब्रेव फिलोसोफर ने एक सवाल सबसे पहले उठाया था। अगर रात में दिखने वाले स्टार्स हमारे सन जैसे हैं, तो क्या उनके भी अपने प्लैनेट्स हो सकते हैं? एक्सोप्लैनेट्स, डिस्टेंस स्टार्स का चक्कर काटने वाले एलियन वर्ल्ड्स की खोज सीरियसली 1990s में ही शुरू हुई। पायोनियरिंग एस्ट्रोनोमर्स को लग रहा था कि उन्हें हमारे जैसे ही प्लैनेटरी सिस्टम्स मिल जाएंगे, लेकिन शुरू से ही उन्हें जो मिला उसने साइंस की दुनिया को हिला दिया। हम सोचते थे अगर दूसरे सोलर सिस्टम्स होंगे तो वो हमारी तरह होंगे, लेकिन अब हमें बहुत अलग अलग तरह के प्लैनेटरी सिस्टम्स मिल रहे हैं और वो सिस्टम्स हमारे जैसे बिल्कुल नहीं हैं। हमें जैसे प्लैनेट्स मिल रहे हैं, अगर किसी मूवी में देखें तो लगेगा वाह, देखने में तो कितने अच्छे हैं, पर ये वाकई नहीं हो सकते, और फिर बूम, वो हमें सच में मिलने लगते हैं। ये शॉक्स काफी पहले ही लग गए। हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मिला पहला कंफर्म प्लैनेट हमारे सन की तरह किसी चीज का चक्कर नहीं काट रहा था। ये तो हमारे यूनिवर्स की एक बहुत ही वायलेंट और मिस्टीरियस चीज का चक्कर काट रहा था। ये था एक पल्सर, और इसका कोई लॉजिक नहीं था। अगर कोई मुझे आधी रात में नींद से जगाकर पूछे प्लैनेट्स के मिलने की आखिरी जगह क्या हो सकती है, तो शायद मैं यही कहूंगा कि ऑर्बिटिंग पल्सर। पल्सर यूनिवर्स में मौजूद एक बहुत ही ड्रामेटिक चीज हो सकती है। किसी स्टार का एक चम्मच मास भी माउंट एवरेस्ट जितना होता है, और ये एक सेकंड में 100 ऑफ टाइम्स घूम सकते हैं। आप ऐसे किसी मॉन्स्टर चीज को इमेजिन कर सकते हैं? पल्सर्स बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। जरा सोचिए कि सन के पूरे मास को स्क्वीज करके सिर्फ मैनहट्टन जितना बड़ा बना दिया जाए। घूमते हुए पल्सर्स लाइट और रेडिएशन की बीम्स छोड़ते हैं, लेकिन इन वायलेंट स्टार्स का जन्म ही इन्हें प्लैनेट का एक अनयूजुअल घर बनाता है, क्योंकि पल्सर्स का जन्म होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स की कॉस्मिक फायर्स में। ये एक्सप्लोजन्स इतने पावरफुल होते हैं कि अगर ये अर्थ जैसे किसी मामूली प्लैनेट के आसपास हो जाए, तो उस ब्लास्ट में अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद एक पल्सर का चक्कर काटते प्लैनेट्स का मिलना ठीक वैसा ही है जैसे किसी खतरनाक अर्थक्वेक की साइट पर क्रॉकरी की दुकान में सभी चीजों का सही सलामत मिलना, लेकिन ऐसी जगह सेफ बिल्कुल नहीं होती। ये चीजें बहुत गर्म होती हैं और इनके मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। ये तेजी से घूमते हैं, कुछ केसेस में इनकी स्पीड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स पर सेकंड हो सकती है। इसका मतलब ये है कि इनसे रेडिएशन ब्लास्ट होता है, तो इनके पास अगर कोई प्लेनेट हुआ तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से वो जल जाएगा। इससे टकराने वाली चीजों से उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये यूनिवर्स की सबसे खतरनाक चीजों के पास होने वाली बात है, और ऐसे सिचुएशन में किसी चीज को वहाँ ढूंढने का कोई सेंस नहीं बनता है। कोई प्लैनेट किसी सुपरनोवा ब्लास्ट को तभी सह पाएगा जब वो बहुत ज्यादा टफ मटेरियल से बना होगा, लेकिन ये है क्या? ये 2011 में एक क्लू मिला
जब एस्ट्रोनोमर्स को सर्पेंस कॉन्स्टेलेशन में तेजी से घूमते हुए एक पल्सर का नजदीक से चक्कर लगाता एक स्ट्रेंज प्लैनेट मिला। इस प्लैनेट का साइज इस पल्सर से 3000 टाइम्स बड़ा था, लेकिन असली सरप्राइज मिला इसके कंपोजिशन से। इस प्लैनेट में बहुत ज्यादा कार्बन था, लेकिन इतना डेंस भी जितना कोई डायमंड होता है। अगर आप 20 साल पहले मुझे ये बताते कि एक जायंट हीरा एक पल्सर का चक्कर लगा रहा है, तो मैं आपसे पूछता, आप कहीं नशे में तो नहीं है? अगर कभी इंसान हमारे जैसे किसी प्लैनेट पर पहुंच गया तो पागल हो जाएगा। लोग हीरो के दीवाने हैं, वो उनके लिए बहुत पैसा देते हैं, पर अब तो हमें एक पूरा सब प्लैनेट मिल गया है जो एक जायंट हीरा है। ऐसा कोई डायमंड प्लैनेट यूनिवर्स की सबसे शानदार जगहों में से एक हो सकता है जो 59,000 किलोमीटर चौड़ी किसी डिस्को बॉल जैसा चमकता हुआ दिखता है। प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट जेनी रेडबा के हिसाब से हमारी अर्थ पर इतनी डायमंड प्लैनेट्स के सरफेस से सबसे ज्यादा मिलती जुलती अगर कोई चीज है तो वो है आइसलैंड का शिमरिंग ब्लैक वोल्केनिक फ्लड प्लेन। जरा सोचिए कि हम डायमंड प्लैनेट के सरफेस पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये एकदम फ्लैट, एकदम यूनिफॉर्म है, फिर भी ये चमक रही है। शायद ये सरफेस वाकई बहुत खूबसूरत होगा। डायमंड प्लैनेट कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, आप इस जगह जाना नहीं चाहेंगे। इस प्लैनेट की जबरदस्त डेंसिटी के कारण अर्थ से 15 टाइम्स से भी ज्यादा पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल पैदा होता है, जो वहां जाने वाले विजिटर्स के लिए जीना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कर देगा। इस वक्त हम एक हाई मास बॉडी पर खड़े हुए हैं, यानी इसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। ये इतनी ज्यादा है कि ये हमें कुचल कर किसी पेस्ट की तरह बना सकती है। तो ये डायमंड प्लैनेट आखिर बना कैसे? साइंटिस्ट्स को लगता है कि इसकी एक ही वजह हो सकती है। इसकी शुरुआत किसी स्टार की तरह बाइनरी पार्टनरशिप में शुरू हुई होगी, लेकिन इसका पार्टनर इससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा। ये बात बड़ी रेयर है कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक स्टार है। ज्यादातर सोलर सिस्टम में एक से ज्यादा स्टार्स होते हैं और वो एक दूसरे का चक्कर काटते हैं। बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डायमंड प्लैनेट एक येलो स्टार था, बिल्कुल हमारे सन की तरह। इससे कहीं बड़े इसके बाइनरी पार्टनर का फ्यूल जल्दी खत्म हो गया और फिर ये फटकर एक सुपरनोवा बन गया और अपने पीछे छोड़ गया एक पल्सर। सन जैसा ये स्टार इतना बड़ा था कि ब्लास्ट को सरवाइव कर गया, लेकिन बिलियंस ऑफ इयर्स के बाद भी इसका भी फ्यूल खत्म होने से ये खत्म हो गया और पीछे रह गया व्हाइट ड्वार्फ कहलाने वाला एक जला हुआ कोर। पल्सर की ग्रेविटी ने व्हाइट ड्वार्फ की आउटर लेयर से हल्के एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम को चुराना शुरू कर दिया, जब तक कि कार्बन के सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स ही बचे रह गए जिन्हें डेड स्टार ने अपनी लाइफ टाइम में प्रोड्यूस किया था। बाकी बची हुई बॉल के प्रेशर्स इतने ज्यादा थे कि कार्बन क्रिस्टलाइज होकर एक कॉम्पैक्टेड डायमंड में बदल गया। पता चला कि ये कॉस्मिक डायमंड्स हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। पल्सर की ग्रेविटी डायमंड प्लैनेट पर दबाव डालती है, ये धीरे धीरे अंदर की तरफ घूमती हुई लगातार कम होती जाती है। जैसे जैसे ये पल्सर के और ज्यादा करीब होती जाएगी, इससे और ज्यादा ग्रेविटेशनल स्ट्रेचिंग महसूस होने लगती है। बहुत पास आने पर ये फोर्स इतनी पावरफुल हो जाएगी कि प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। जरा सोचिए कि जब 10,000 बिलियन 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 कैरेट का डायमंड टूटकर बिखरेगा तो क्या होगा? ग्रेविटी इसे ज्यादा वक्त तक साथ जोड़े नहीं रख पाएगी और फिर इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे में हीरों की जैसे एक बारिश होगी। ये बात काफी अजीब लगती है। डेड स्टार्स से पैदा होने वाले एक्सट्रीम डायमंड प्लैनेट्स के बारे में सोचकर इमेजिनेशन जैसे दौड़ने लगता है, लेकिन एक्सोप्लैनेट हंटर्स असल में हमारे अर्थ जैसे वर्ल्ड्स ढूंढना चाहते हैं।
एस्ट्रोनॉमर्स असल में एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो बहुत कूल हैं। लेकिन हम क्योंकि इंसान हैं, तो हम अर्थ जैसा ही एक और प्लैनेट ढूंढना चाहते हैं। ईयर 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने तब दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्हें हमारे सबसे करीबी नेबरिंग स्टार्स के चारों तरफ अर्थ जैसा एक प्लैनेट चक्कर काटता मिल गया। हैरान साइंटिस्ट सोचने लगे कि क्या सबसे पास इस एक्सोप्लैनेट में वो सब है जिससे लाइफ एग्जिस्ट कर सके, इंटेलिजेंट लाइफ, यहाँ तक कि सिविलाइजेशन भी। जरा रात के आसमान पर नजर डालिए। अब तक हम ये जान चुके हैं कि जहां भी रोशनी नजर आती है वहां प्लैनेट्स होंगे ही, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। चमकदार तारे तो हमें दिख जाते हैं, लेकिन कुछ इतने फेंट होते हैं कि सिर्फ आंखों से नहीं दिखते। रेड ड्वार्फ सन के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे प्लैनेट्स बसे होते हैं और ऐसी कई दुनियाएं अर्थ जैसी रॉक से बनी होती है। गैलेक्सी में किसी भी दूसरे स्टार की कंपैरिजन में रेड ड्वार्फ ज्यादा है और इन स्टार्स के भी अपने प्लैनेट होते हैं, तो रेड ड्वार्फ के चारों तरफ रहने वाला प्लैनेट हमारी गैलेक्सी में सबसे ज्यादा कॉमन है। मिल्की वे में जो बिलियंस रेड ड्वार्फ पाए जाते हैं उनमें से हर 20 में से कम एक में प्लैनेट होते हैं जो इतनी सही दूरी पर चक्कर काटते हैं कि उनकी सरफेस पर लिक्विड पानी इकट्ठा हो जाता है। इससे ज्यादा करीब आने पर टेम्परेचर बढ़ेगा और ये पानी उबलने लगेगा। दूरी बढ़ेगी तो पानी जम जाएगा। इसे गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं क्योंकि ये समुद्रों के बनने के लिए एकदम सही जगह है, ठीक जैसा अर्थ के मामले में हुआ। तो क्या ऐसी कोई वार्म और वेट दुनिया हमारे जैसी लाइफ के लिए एक हैबिटेट प्रोवाइड करा सकती है? अर्थ को देखने पर पता चलता है कि जब ये इतनी ठंडी हुई कि इसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर मौजूद रह सके, तो उसके कुछ ही बाद यहाँ लाइफ की शुरुआत हुई। ये सच है कि अर्थ पर हर लाइफ फॉर्म को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, तो हमें चाहिए एक ऐसा प्लेनेट जिसका साइज, कंपोजिशन और टेम्परेचर अर्थ जैसा ही हो ताकि इस पर लिक्विड वाटर मौजूद रह सके। इन कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, तभी वो जगह अर्थ जैसी होगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद इस जगह पर लाइफ हो या रहने लायक हो, और हम इस सवाल का जवाब भी हमेशा से जानना चाहते रहे हैं कि क्या हम अकेले हैं। ये रॉकी वेट प्लैनेट्स एग्जैक्टली अर्थ जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक कैच है। कई रेड ड्वार्फ वर्ल्ड्स अपने होस्ट स्टार्स के इतने नजदीक घूमते हैं कि प्लैनेट का वही साइड हमेशा अंदर की तरफ रहता है और इसे हमेशा इसी तरह रखती है स्टार की जबरदस्त ग्रेविटी। साइंटिस्ट्स इस फिनोमिना को टाइडल लॉकिंग कहते हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि अर्थ जब अपनी एक्सिस पर घूमती है तो उससे दिन और रात होते हैं, लेकिन अगर कोई चीज किसी स्टार से कुछ ज्यादा ही करीब हो जाए तो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन उसके रोटेशन को रोक देगा। प्लैनेट का एक साइड हमेशा स्टार की तरफ रहेगा और दूसरा हमेशा दूसरी तरफ, इस तरह ये टाइडली लॉक्ड रहेगा। अगर आप इस प्लैनेट पर लैंड करके चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत अलग अलग चीजें नजर आएंगी डिपेंडिंग कि आप खड़े कहां हैं। अगर आप प्लैनेट के उस हिस्से में हैं जो स्टार के नीचे है, तो आप ऊपर देखेंगे तो आपको स्टार ऊपर की तरफ दिखेगा या हमेशा ही ऊपर ही नजर आएगा। ये कभी ना उगेगा, ना ढलेगा और ना ही हिलेगा। स्टार अपनी जगह बना रहेगा। अगर आप प्लैनेट के दूसरे हिस्से में होंगे तो हमेशा रात रहेगी। आप ऊपर देखेंगे तो आपको आसमान में वो स्टार कभी दिखेगा ही नहीं। ईयर 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स को सन के सबसे करीबी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी का चक्कर काटता अर्थ जैसा एक प्लैनेट नजर आया। प्रोक्सिमा बी नाम का प्लैनेट अपने होस्ट के इतने नजदीक है कि वहां अर्थ जैसे ओशियंस हैं। लेकिन साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये टाइडली लॉक्ड हैं। नतीजा, प्रोक्सिमा बी शायद अपने पेरेंट स्टार को किसी बड़ी आई बॉल की तरह हमेशा घूरता रहा होगा। रात वाला हिस्सा अंधेरे वाला और जमा रहता होगा, दिन वाले हिस्से में धूप से जलता,
डेजर्ट होगा, लेकिन इन दोनों के बीच लाइफ हो सकती है। प्लैनेट के चारों तरफ किसी रिबन की तरह एक लंबी और पतली जमीन की पट्टी में हमेशा सुबह रहती होगी। स्टार के नजदीक वाली प्लैनेट की साइड बहुत गर्म है और स्टार के दूर वाली प्लैनेट की साइड बहुत ही ज्यादा ठंडी है। एस्ट्रोनॉमर्स किसी प्लैनेट पर अंधेरे और उजाले के बीच वाली ऐसी लाइन को कहते हैं टर्मिनेटर। प्रोक्सिमा बी की टर्मिनेटर लाइन पर खड़े होने से सन होराइजन पर फिक्स्ड लगता होगा और टेम्परेचर्स लाइफ के एग्जिस्ट होने के लिए सही होंगे। जेनी रेडेवा को ये डरावना ट्वाइलाइट जोन लगता है, जहां डार्क ग्लेशियर्स पिघलकर बड़े बड़े लघुंस को भरते हैं, जैसे अर्थ के ग्लेशियर्स गर्मियों के समय में करते हैं। इन दो बिल्कुल अलग तरह के लैंडस्केप्स की बाउंड्री वैसी ही जगह है जैसी कि हमारी अर्थ पर है। इन ग्लेशियर्स पर से लिक्विड वाटर बह रहा होगा, ये इन ग्लेशियर से निकल कर वेस्ट लैंड की तरफ बढ़ रहा होगा। साथ ही आइसबर्ग्स इस खूबसूरत बे में तैर रहे होंगे। इस जगह पर लिक्विड वाटर है, सन से मिलने वाली एनर्जी भी है, तो लाइफ ढूंढने के हिसाब से ये जगह एकदम सही है। ये बात एक ऐसे प्लैनेट पर लाइफ की उम्मीद जगाती है जो सन के सबसे करीबी नेबर का चक्कर काट रहा है। क्या प्रोक्सिमा बी पर वाकई एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है? वहाँ बिना जाए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रेड ड्वार्फ्स ट्रिलियंस ऑफ इयर्स तक एक्टिव रहते हैं और आसमान में दूसरे स्टार्स के मुकाबले 3 times ज्यादा होते हैं। अगर वहां वाकई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, तो रेड ड्वार्फ स्टार्स के प्लैनेट्स उन्हें ढूंढने के लिए परफेक्ट जगह हो सकती है। मान लीजिए हम इन रेड ड्वार्फ के आसपास मौजूद किसी प्लैनेट पर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि अब से 1 trillion years बाद भी यहीं बैठे हों। हमने कभी रेड ड्वार्फ को खत्म होते नहीं देखा, तो अगर ये सच है तो फिर लाइफ के शुरू होने के लिए बहुत वक्त है। तो हो सकता है वहाँ न सिर्फ माइक्रोबियल लाइफ हो बल्कि शायद और कॉम्प्लेक्स लाइफ भी हो। हम ये भी कह सकते हैं कि इन जगहों पर शायद इंटेलिजेंट लाइफ भी हो सकती है। रेड ड्वार्फ इतने लंबे वक्त तक मौजूद हो सकते हैं कि आईबॉल अर्थ पर ऐसी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हो जिनके सामने ह्यूमन रेस कुछ भी नहीं, और ये एलियन स्पीशीज यूनिवर्स में कुछ सबसे रोमांटिक जगहों में रह रही हो, जहां हमेशा इन्हें शानदार सनसेट नजर आते होंगे। ये ऐसी जगह होगी जहां लाल सन भी दिखेगा और दूसरी तरफ देखने पर स्टार्स भी नजर आएंगे। रहने के लिए ये जगह बहुत खूबसूरत होगी और डिजायरेबल भी। सिर्फ हमेशा रहने वाला सनसेट ही इस जगह की खासियत नहीं होगी। रेड ड्वार्फ स्टार्स से निकलने वाली सोलर फ्लेयर्स की वजह से आईबॉल अर्थ्स के लोगों को यूनिवर्स के कुछ सबसे शानदार लाइट शोज देखने का मौका भी मिलेगा। रेड ड्वार्फ स्टार्स बहुत स्टेबल होते हैं, इनकी रेंज बहुत होती है, लेकिन हमारे पास इस बात के सबूत है कि इनकी बहुत बड़ी बड़ी सोलर फ्लेयर्स भी होती है, जिनकी वजह से प्लैनेट्स को हाई एनर्जी रेडिएशन सहना पड़ सकता है। ये पावरफुल सोलर फ्लेयर्स हमारे सन के मुकाबले 10,000 times ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन अगर ये आईबॉल अर्थ्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्टेड होंगे, तो फिर वहां के एलियन रेजिडेंट्स चमकदार रंगों वाली अरोरा का मजा ले पाते होंगे। हो सकता है कि रेड ड्वार्फ्स हमारे सन जैसे ना हो, लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि वो जिन प्लैनेट्स के होस्ट हैं, वहाँ इंटेलिजेंट लाइफ मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। और जैसे जो प्लैनेट है वो पूरी तरह से तो अर्थ की तरह नहीं दिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके नेबर का कुत्ता आपके कुत्ते जैसा नहीं दिखता, लेकिन फिर भी है तो कुत्ता ही। तो अगर बात लाइफ की हो तो आप केयर करते हैं समुद्रों की, एटमोस्फेयर जैसी चीजों की, और अगर ये सब चीजें वहां पर हैं तो मैप अलग होने से क्या फर्क पड़ता है? हैरानी की बात है कि छोटे स्टार्स के भी शायद अपने हैबिटेबल रॉकी प्लैनेट्स हो सकते हैं, चाहे ये दुनिया कितनी भी अजीब क्यों ना हो। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को बड़े स्टार्स को देखने पर सरप्राइजेस मिलते रहते हैं। सन के साइज वाले इन स्टार्स के भी प्लैनेट्स हैं,
और इनमें से कुछ बहुत ही स्ट्रेंज हो सकते हैं। जरा सोचिए कि एक ऐसा बड़ा सा गैसी प्लैनेट हो जो इतना काला हो कि लाइट को खाता हुआ दिखाई देता हो। टू डेकेड से भी ज्यादा से एस्ट्रोनोमर्स एलियन वर्ल्ड्स की तलाश में आसमान छानते रहे हैं और उन्हें ऐसे वर्ल्ड्स करीब करीब हर कहीं दिखे हैं। वो अर्थ जैसी कई प्लैनेट्स को डिस्कवर करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन इसके बजाय उन्हें अजीब चीजों से भरी एक गैलेक्सी मिली है। ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने के दौरान आप देख सकते हैं कि यूनिवर्स में बहुत ज्यादा वैरायटी है। इनमें से कुछ की सुपर ग्रेविटी है और कुछ के दो स्टार्स है, एक नहीं। यानी वहां काफी इंटरेस्टिंग चीजें मौजूद हैं। एस्ट्रोनोमर्स अब जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में ऐसे बिलियंस एक्सोप्लैनेट्स हैं जो डिस्कवर किए जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये जानना कि वो मौजूद हैं और उन्हें ढूंढ निकालना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने से जुड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत छोटे हैं और ये किसी स्टार के मुकाबले बहुत डिम होते हैं, इसलिए इनको ढूंढ पाना आसान नहीं होता। ढूंढने का एक तरीका ये है कि आप एक स्टार और एक प्लैनेट के बीच ग्रेविटेशनल पुल को देखें। सुनने में ये बात बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन किसी स्टार का चक्कर काटता कोई प्लैनेट ग्रेविटेशन की वजह से इसे जुड़ा रहता है और किसी स्टार के हिलने पर आप इस पुल का पता लगा सकते हैं। कुछ इनिशियल एक्सोप्लैनेट्स का पता ऐसे हिलते स्टार्स को देखकर ही लगाया गया था, लेकिन अब इन डिस्टेंट वर्ल्ड्स को ढूंढने का एक ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। एक्सोप्लैनेट्स को देखने का एक ज्यादा डायरेक्ट तरीका है ट्रांजिट मेथड। इस केस में प्लैनेट और स्टार हमें एकदम सीधे नजर आते हैं। इससे प्लैनेट स्टार के सामने चक्कर काटता है, जिससे एक छोटा सोलर एक्लिप्स बनता है। यानी जब एक प्लैनेट स्टार का चक्कर काटता है, स्टार की रोशनी थोड़ी डिम हो जाती है। एस्ट्रोनोमर्स ने इन तरीकों से हजारों एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ निकाले हैं। यह 2011 में एस्ट्रोनोमर डेविड किपिंग एक डिस्टेंट स्टार का बहुत पास से चक्कर काट रहे एक गैस जॉइंट से जुड़े डाटा पर नजर डाल रहे थे। पेरेंट स्टार की चमक को स्टडी करने के दौरान उन्हें कुछ अजीब नजर आया। लगा जैसे ऑर्बिटिंग प्लैनेट लाइट को खा रहा था। इस डेटा को सबसे पहले देखने पर मुझे लगा कि हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, शायद हमने अपने एनालिसिस में कोई गड़बड़ कर दी है। जब ये स्टार डे साइड से नाइट साइड में गया, तब डेविड इसकी ब्राइटनेस को नाप रहे थे। ये प्रेडिक्ट किया गया था कि इसकी ब्राइटनेस काफी कम हो जाएगी, लेकिन इसके बजाय लाइट लेवल्स में थोड़ी सी ही कमी आई। यानी ये प्लैनेट शायद खुद ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। ट्रेस 2b नाम का ये प्लैनेट खुद से टकराने वाली 1% से भी कम लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। यानी इसका रंग काले एक्रिलिक पेंट से भी ज्यादा डार्क था, कोयले के किसी पीस से भी ज्यादा डार्क। कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ में इतनी काली चीज कभी नहीं देखी होगी, और इसी वजह से हमने इस प्लैनेट का नाम रख दिया है डार्क नाइट। काली चीजें इसीलिए काली लगती हैं क्योंकि वो खुद से टकराने वाली ज्यादातर लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कोई ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा काला लगेगा, लेकिन डार्क नाइट इतना ज्यादा काला है कि ये अपने आसपास की लाइट को खाता हुआ लगता है। इस अजीब प्लैनेट का तो एक और सीक्रेट भी है। ये अपने स्टार के इतना नजदीक है कि इसके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सोना पिघलाने के लिए काफी है। क्या डार्क नाइट का ये बहुत गर्म एटमॉस्फेयर इसके अजीब और अल्ट्रा डार्क अपीरियंस की वजह बता सकता है? इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कुछ बहुत ही अजीब केमिस्ट्री मौजूद है। हो सकता है कि इसके एटमॉस्फेयर में वेपर सोडियम, वेपर पोटेशियम या टाइटेनियम ऑक्साइड भी हो। अर्थ पर ये चीजें सॉलिड होती हैं, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी होने की वजह से ये गैस की शक्ल में है, और सोडियम जैसी ये गैसेस लाइट की एक्सेलेंट एब्जॉर्बर्स होती हैं, और इसी वजह से डार्क नाइट बहुत ज्यादा काला नजर आता है। नॉर्मली ये एब्जॉर्प्शन एक बहुत ही नैरो कलर तक लिमिटेड होता है, जैसे कि येलो लाइट,
लेकिन ये प्लैनेट इतना गर्म है कि इसका ये एब्जॉर्प्शन फीचर ब्रॉडन हो जाता है, और इसकी ये खूबी लाइट और प्लैनेट की पूरी विजिबल वेवलेंथ में फैल जाती है, जिससे ये बिल्कुल डार्क दिखती है। डार्क नाइट जैसे प्लैनेट एस्ट्रोनोमर्स को फैसिनेट करते हैं, क्योंकि इन स्टार स्किमिंग जायंट प्लैनेट से अपने स्टार के इतने पास होने की उम्मीद नहीं की जाती। जब यंग स्टार्स पैदा होते हैं तो वो गैस और डस्ट रिलीज करते हैं जो उन्हें घेर लेती है। ऐसे में जुपिटर जितने बड़े साइज के प्लैनेट्स बनने लायक मटेरियल नहीं बच पाता। इसके बजाय डार्क नाइट ने अपनी लाइफ इस स्टार की गर्मी से काफी दूरी पर शुरू की होगी, जहां आइस और गैस की कमी नहीं थी, और फिर ये धीरे धीरे घूमता हुआ अपनी करंट पोजीशन तक पहुंच गया। हमें लगता है कि गर्म जुपिटर काफी कुछ हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स की तरह बनते हैं। ऐसा कोई मैसिव प्लैनेट स्टार से बहुत दूरी पर घूमता हुआ गैस और डस्ट के इस डिस्क से मटेरियल जुटाता है जो स्टार के चारों तरफ घूम रही होती है, लेकिन मटेरियल की इस डिस्क के बीच से घूमने के दौरान ये इससे टकराता है, जिससे एक ड्रैग पैदा होता है। तो लाखों साल के दौरान ये बहुत धीरे धीरे घूमते हुए स्टार की तरफ और ज्यादा नजदीक पहुंचता जाता है, और फिर एक बहुत बड़ा प्लैनेट अपने स्टार के बहुत पास घूमता हुआ दिखाई पड़ता है, एक हॉट जुपिटर। ट्रेस 2B ने अपनी जिंदगी की शुरुआत काफी कुछ आज वाले जुपिटर की तरह की होगी। इसका रंग ब्राइट और एटमॉस्फेयर स्टॉर्मी होगा, लेकिन जब ये अपने हॉट स्टार के पास पहुंचा तो प्लैनेट का एक एटमॉस्फेयर गर्म होने लगा और ये काला होकर बन गया डार्क नाइट। तो ये हमें दिखाता है कि प्लैनेटरी सिस्टम्स कितने डायनेमिक हो सकते हैं। प्लैनेट्स माइग्रेट करते हैं। प्लैनेट्स आज हमें जहां देखते हैं शायद वहां ना हो। ये बात तो पक्की है कि ये यहां फॉर्म नहीं हुए होंगे। ट्रेस टू बी जैसी अजीब दुनियाओं के कारण अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गैस जॉइंट प्लैनेट अपने स्टार की तरफ ड्रिफ्ट कर सकते हैं, पर क्या इससे उल्टा भी हो सकता है? क्या ये कभी कभी बाहर की तरफ भी ड्रिफ्ट कर सकते हैं? 2013 में एस्ट्रोनोमर्स का एक पूरा ग्रुप रात में ब्राउन ड्वार्फ नाम के एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहा था। ब्राउन ड्वार्फ फेल्ड स्टार्स होते हैं। बहुत छोटे होने की वजह से इनमें फ्यूजन नहीं होता, जिससे कोर में धमाका नहीं हो पाता, लेकिन कम रोशनी वाली ये गैस की बॉल्स कुछ हीट रेडिएट करती हैं, जिससे एस्ट्रोनोमर्स अपने इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से इनका पता लगा लेते हैं। एक स्टार हाइड्रोजन के बड़े बॉल जैसा होता है, जिसका इतना मास होता है कि इसका इंटीरियर इतना गर्म हो पाए कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो सके। यूनिवर्स अब ऐसी चीजें प्रोड्यूस करने के परफेक्ट हालत में है जिनका मास इतना नहीं होता कि उनमें न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो सके। हम इसे कहते हैं ब्राउन ड्वार्फ। तो एस्ट्रोनोमर्स ने अपने इंफ्रारेड डिटेक्टर्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन इन्हें वो नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। इन्हें जो चीज दिखी उसका मास तो किसी ब्राउन ड्वार्फ से भी कम था। शायद ये कोई गैस प्लैनेट था, लेकिन इसका होस्ट स्टार कहीं दिख नहीं रहा था। ये प्लैनेट ओपन स्पेस में शायद यूं ही भटक रहा था। एस्ट्रोनोमर्स को गैलेक्सी में मौजूद एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज मिल गई थी। ये था एक अकेला भटक रहा रोग प्लैनेट। डेफिनेशन के हिसाब से ये कोई प्लैनेट वो होना चाहिए जो किसी स्टार के चारों तरफ घूमता हो, लेकिन इन प्लैनेट्स का तो कोई स्टार है ही नहीं। प्लैनेट का आइडिया बहुत ही क्रेजी है, लेकिन फिर भी हम इन्हें देख चुके हैं, यानी ये मौजूद है। ये बात और भी क्रेजी हो जाती है। हमारी गैलेक्सी में ऐसे बिलियंस ऑफ रोग प्लैनेट हो सकते हैं। जो इंटरस्टेलर स्पेस में घूमते रहते हैं। गर्म रखने के लिए इनका कोई स्टार ना हो तो आप सोचेंगे कि रोग प्लैनेट्स ठंडे होने चाहिए, लेकिन ये 2013 में मिला प्लैनेट बहुत ही अजीब है, क्योंकि ये गर्म है। प्लैनेट के डीप गैसी एटमॉस्फेयर में मौजूद क्लाउड्स का टेम्परेचर 760 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, यानी ये एक बहुत ही डेंजरस जगह है। तो इस प्लैनेट तक पहुंचने की कोशिश में अगर आप एटमॉस्फेयर से पड़े जबरदस्त प्रेशर से खुद को बचाने का इंतजाम कर भी लें, वहां की वेपराइज करने वाली तेज गर्मी से बच भी जाएं, फिर भी ये इलाका काफी रफ होगा और इस प्लैनेट का मौसम बहुत ही अजीब होगा। भयानक स्टॉर्म्स,
ऊपर उड़ती ढेर सी गर्म हवा और नीचे गिरती ठंडी हवा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने पाया है कि ऐसी कई चीजों का टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा गर्म हो तो आयन और दूसरे मेटल वेपराइज हो सकते हैं। इनके ठंडे होने पर ये नीचे बरस सकते हैं। जरा सोचिए कि आसमान से बरसती हुई मेल्टेड आयन के ड्रॉपलेट्स, तो आपकी हालत क्या होगी? ये जगह सिविलाइजेशन के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत गर्म बादलों से नीचे आने के वक्त प्रेशर बढ़ता जाता है और फिर ग्रेविटी इतना प्रेशर डालती है कि हाइड्रोजन गैस एक अजीब लिक्विड मेटल में बदल जाती है। लेकिन ये प्लैनेट आया कहां से और ये इतना गर्म कैसे हो गया? इस प्लैनेट की जला देने वाली गर्मी साइंटिस्ट्स को नए नए बनने वाले एक प्लैनेटरी सिस्टम के गर्म और वायलेंट एटमॉस्फेयर में मौजूद इन्फिनिट गैस जायंट की याद दिलाती है। क्या यह मुमकिन है कि ये रोग प्लैनेट एक बेबी था और इसे इसके जेलस प्लैनेट सिब्लिंग्स ने उठाकर बाहर फेंक दिया था? जाहिर है कि ये प्लैनेट किसी स्टार के पास बनते हैं, लेकिन ये दूसरे प्लैनेट के नेस्ट में होते हैं और जब अर्ली डेज में ये बहुत करीब आ जाते हैं तो इनकी ग्रेविटेशनल पावर किसी एक प्लैनेट की स्पीड को स्लो कर देती है और दूसरे की स्पीड को बढ़ा देती है। स्पीड ज्यादा बढ़ जाने पर यह प्लैनेट स्टेलर सिस्टम से निकलकर स्पेस की गहराई में पहुंच सकता है। तो इस तरह एक ऑफन बेबी गैस जायंट कॉस्मोस में भटकने लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये दुनिया वाकई अकेली हो, इसमें और साथी मून्स हो सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में आइसी मून्स की फैमिलीज एलिप्टिकल ऑर्बिट में जुपिटर और सैटर्न के चारों तरफ घूमती है और साइंटिस्ट को ऐसे आइसी एक्सटीरियर्स मिले हैं जो लिक्विड वाटर के बड़े बड़े ओशंस को कवर किए हुए हैं। हमने अपने सोलर सिस्टम के मून्स में देखा है कि वो बहुत एक्टिव हो सकते हैं। अगर ये आइसी हुए तो अपने होस्ट प्लैनेट के साथ इनके ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से इनका साइज घटकर और बढ़ सकता है और ये गर्म हो सकते हैं। ये सो कॉल्ड टाइडल फोर्सेस गर्म वॉल्केनिक विंड्स को पावर दे सकती है। ऐसी ही विंड्स अर्थ के ओशियंस में बहुत डेप्थ पर मिलती हैं। हमारे प्लैनेट पर सनलाइट ना मिलने के बावजूद ओशन विंड्स की वजह से बहुत से अजीब तरह के जानवर जिंदा रह पाते हैं। तो क्या किसी रोग प्लैनेट के टाइडली हीटेड मून पर भी ऐसा ही रहा होगा? ऐसा हो सकता है, इसके काफी चांसेस हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि बिना सन वाले किसी प्लैनेट के मून पर भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो, ये पॉसिबल है। हो सकता है कि इस एक्सोप्लैनेट के चारों तरफ ऐसे मून्स होंगे और ग्रेविटी की वजह से उसे गर्म रखे हुए हो, तो कोई स्टार आसपास न होने के बावजूद लाइफ की पॉसिबिलिटी फिर भी है। वियर्ड रोग प्लैनेट्स हमें इंटरस्टेलर एलियन लाइफ के होने के ड्रीम दिखाते हैं, लेकिन ये इमेजिन करना मुश्किल है कि डीप ओशियंस में रहने वाले ये क्रिएचर्स सिर्फ वोल्केनिक विंड्स से मिलने वाली मामूली एनर्जी से ही एडवांस्ड, कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट लाइफ की शक्ल ले लें। सिविलाइजेशन के सबूत ढूंढने के लिए हमें कहीं और ढूंढना होगा और ये भी पॉसिबल है कि किसी डिस्टेंट स्टार के अजीब बिहेवियर से हमें ऐसा पहला क्लू मिला हो कि इस तरह के एडवांस्ड सिविलाइजेशंस मौजूद हो सकती है। हम सोचा करते थे कि हमारी गैलेक्सी सिर्फ स्टार्स से ही भरी है, पर अब हम जानते हैं कि इन स्टार्स के प्लैनेट्स भी हैं और वो भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की तादाद में। एस्ट्रोनोमर्स इन एलियन वर्ल्ड्स को कहते हैं एक्सोप्लैनेट। हमें तो मालूम भी नहीं था कि एक्सोप्लैनेट्स होते हैं, और अब ये सोच के हैरानी होती है कि पिछले सिर्फ 10 से 15 साल में अपने यूनिवर्स के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं। यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ में वाकई एक फंडामेंटल शिफ्ट आया है। ईयर 2009 से प्लैनेट्स को ढूंढने वाली स्पेस ऑब्जर्वेटरी केपलर एक्सोप्लैनेट्स की खोज में जैसे रिवॉल्यूशन ले आई है, क्योंकि केपलर एक साथ 1.5 लाख तारों पर नजर रख पाती है। अगर सिर्फ एक पल के लिए ऐसे किसी स्टार की लाइट केपलर को धीमी लगती है तो हो सकता है कि कोई एक्सोप्लैनेट इसके पाथ को क्रॉस कर रहा हो।
लाइट जितनी ज्यादा धीमी होगी, एक्सोप्लैनेट शायद उतना ही ज्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन ईयर 2011 और 2013 में केपलर ने ब्राइटनेस में कमी देखी। ये कमी कुछ ज्यादा ही कम हो रही थी। इस मिस्ट्री स्टार को उस एस्ट्रोनोमर के नाम पर टैबी स्टार कहा गया, जिसने इसके अजीब बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट किया था। और इस बिहेवियर की वजह से साइंटिस्ट को यूनिवर्स को पूरी तरह बदलने वाली एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना पड़ा। टैबी स्टार वाकई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई चीज उसका चक्कर काटते हुए उसकी लाइट रोक रही है। इसी वजह से हमें इसके बारे में पता चला, लेकिन कोई प्लैनेट इतनी लाइट नहीं रोक सकता। अगर जुपिटर के साइज का कोई प्लैनेट किसी नॉर्मल स्टार का चक्कर काट रहा हो तो उसकी वजह से थोड़ी लाइट कम हो सकती है, लेकिन टैबी स्टार की वजह से हमें करीब 20% लाइट कम होती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, आप उम्मीद करते हैं कि स्टार लाइट में ये कमी पीरियोडिक होगी, लेकिन टैबी स्टार में ऐसा नजर नहीं आ रहा। लाइट में ये कमी अलग अलग इंटरवल्स पर नजर आ रही है और इसकी कोई वजह समझ नहीं आती। अगर केपलर की रीडिंग सही है तो कोई बहुत ही बड़ी और अजीब चीज टैबी स्टार के चारों तरफ घूम रही है। ये भी हो सकता है कि ये एलियंस के तोड़े हुए प्लैनेट के बचे खुचे हिस्से हों और फिर इन्हें एक जायंट सोलर पावर प्लांट में बदल दिया गया हो। हो सकता है कि एडवांस सोसाइटीज हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नेपच्यून जैसे किसी बेकार प्लैनेट के टुकड़े करके इसे अपने प्लैनेट की ऑर्बिट से बाहर एक बड़े से गोले की शक्ल में फिर बना दे, इसकी सनलाइट को कलेक्ट करे और इसे यूज करे। एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स होता है आपका स्टार, तो आप इस एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। फ्रीमैन डायसन ने इसे नाम दिया है डायसन स्फीयर का। कहीं हमें डायसन स्फीयर तो नहीं मिल गया? अगर किसी एक्सोप्लैनेट के बचे खुचे टुकड़े टैबी स्टार से आने वाली लाइट को रोक रहे हैं तो फिर शायद एलियंस काफी बिजी रहे हैं। साइंटिस्ट्स ने लाइट में जो कमी देखी है उसके मुताबिक तो उनका मेगा स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा होगा। किसी डायसन स्फीयर को साईफाई मूवीज का हिस्सा कहा जा सकता है, लेकिन हम ये कैसे साबित करें कि ये असली है? सेटी के एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने टेलीस्कोप्स को टैबी स्टार की तरफ इस उम्मीद में मोड़ा कि शायद इसे बनाने वालों की रेडियो कन्वर्सेशन को सुना जा सके। जैसे ही हमें टैबी स्टार के बारे में पता चला, हमने अपने एलन टेलीस्कोप के अरी एंटीनास को स्टार की डायरेक्शन में मोड़ दिया और फिर करीब एक या दो हफ्ते काफी बड़ी रेडियो फ्रिक्वेंसी को कवर करते हुए सिग्नल्स ढूंढते रहे, लेकिन सिग्नल्स मिले ही नहीं। फ्लैशिंग लेजर लाइट को ढूंढने के लिए पनामा में भी टेलीस्कोप यूज किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगर टैबी स्टार के चारों तरफ डायसन स्फीयर जैसी कोई चीज बनाई जा रही है तो इसके वर्कर्स बहुत खामोशी से काम कर रहे हैं। हर बड़े क्लेम के लिए सॉलिड प्रूफ चाहिए। किसी लाइट प्रूफ में चेंज देखना इंटरेस्टिंग भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है, लेकिन ये अभी इतना सॉलिड प्रूफ नहीं है और मैं इसे अभी एविडेंस भी नहीं मानती। शायद ये हमें बताता है कि हमें ये सर्च जारी रखनी चाहिए, सीखते रहना चाहिए। अगर ये एलियंस हो तो मजा आ जाए, मेरी तो नौकरी पक्की हो जाएगी, लेकिन मैं इस बारे में रियलिस्टिक रहना चाहता हूँ। लेकिन अगर एलियंस किसी प्लैनेट की शक्ल नहीं बदल रहे हैं तो फिर लाइट में इतनी भारी कमी होने की और क्या वजह हो सकती है? कहीं ये स्टेलर एक्टिविटी तो नहीं? कहीं स्टार के चारों तरफ कोई डिस्क तो नहीं? ये बिखरते हुए प्लैनेट भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि शायद ये कॉमेट की कोई फैमिली है जिसके स्टार का चक्कर लगाने से लाइट घट रही है। कॉमेट्स बहुत बड़ी बर्फ से बनी बॉल होती है जो प्लेनेटरी सिस्टम के बनने के दौरान बचे मलबे से बनती है, लेकिन अगर कॉमेट्स का कोई बड़ा क्लस्टर टैबी स्टार के आसपास मौजूद है तो वो कहीं ज्यादा बड़ा लग सकता है। अगर ये अपने स्टार के ज्यादा करीब पहुँचे तो आइस गर्म होकर गैस में बदल कर फैल सकती है और फिर ये एक्सपेंडिंग क्लाउड किसी प्लेनेट से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये बात हमें हमारे सोलर सिस्टम में दिखती है और ये हो सकता है कि ये बादल इस स्टार को ब्लॉक कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है और जो हम देख रहे हैं ये उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रही है और कुछ नहीं भी। हो सकता है कि कॉमेट्स का एक बड़ा सा बादल टैबी स्टार से आ रही लाइट को ब्लॉक कर रहा हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इतने सारे कॉमेट्स नहीं हो सकते जो इतनी लाइट को ब्लॉक कर सके और इंफ्रारेड सिग्नेचर भी नॉर्मल ही नजर आया है। या तो हमने इसे मिस कर दिया या डस्ट बहुत जल्दी डिस्पर्स हो गई, ये पॉसिबल है, या फिर सिर्फ कॉमेट्स के टूटने से कहीं ज्यादा कुछ हो रहा है।
मौजूदा थ्योरीज में से कोई भी टैबी स्टार की मिस्ट्री पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाती है, तो फिलहाल किसी प्लेनेट से एक एलियन मेगा स्ट्रक्चर बनने की गुंजाइश मौजूद है, पर यह पॉसिबिलिटी काफी कम है। एक्सोप्लैनेट्स की हमारी सर्च के दौरान हमें अजीब प्लेनेटरी सिस्टम्स और अनोखे एलियन वर्ल्ड से भरी एक गैलेक्सी मिली है, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि इनमें से कुछ वर्ल्ड्स हमारे प्लेनेट अर्थ से मिलते जुलते हैं। अभी तक हमें ऐसे ज्यादा सोलर सिस्टम नहीं मिले हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से मिलते जुलते हों। हम हमेशा ये मानते आए हैं कि छोटे प्लैनेट्स अंदर की तरफ होंगे और बड़े प्लैनेट्स बाहर की तरफ, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में है, लेकिन ऐसे सिस्टम हमें ज्यादा नहीं मिले। हमें तो बस दूसरे स्टार्स के पास सबसे कॉमन टाइप का प्लैनेट मिला है, जिसे कहा जाता है सुपर अर्थ। इन सुपर अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत थिक है और उसके बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से वहां हमारे अर्थ जैसी लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती। तो हमारे जैसा छोटा प्लैनेट इतना रेयर क्यों लगता है, जिसके कॉन्टिनेंट्स एक्सपोज्ड हैं और एटमॉस्फेयर थिन है? एक नए रेडिकल आइडिया के हिसाब से अर्थ एक सेकेंड जनरेशन प्लैनेट हो सकता है, जो ऐसे जायंट रॉकी वर्ल्ड्स के बीच की टक्कर से बचे मलबे से बना हो, जिसका अर्ली सोलर सिस्टम में कभी डोमिनेशन हुआ करता था। हम जिन डिस्ट्रॉयड प्लैनेट्स को जानते हैं या जिन्हें बाहर निकाल दिया गया या सन की तरफ भेज दिया गया, उनसे पहले भी प्लैनेट्स मौजूद रहे हो सकते हैं, और ये बात अर्थ को एक सेकेंड जनरेशन प्लैनेट प्रूव करती है। हो सकता है अर्थ के भाई बहन भी रहे हो और हमें नहीं पता। जरा सोचिए, 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के बनने की शुरुआत डस्ट और डेब्री की एक बड़ी सी डिस्क से हुई। सबसे पहले जायंट जुपिटर बना और वो एक डिस्टेंट ऑर्बिट में सेटल हो गया। आज जहां अर्थ मौजूद है, वहां कभी कई सुपर अर्थ्स पैदा हुई होंगी। इनका मास अर्थ से 10 टाइम्स तक बड़ा रहा होगा और इनके एटमॉस्फियर्स थिक और क्रशिंग होंगे। इन बड़ी बड़ी और इनहॉस्पिटेबल वर्ल्ड्स की ग्रेविटी की वजह से इनर सोलर सिस्टम में छोटे अर्थ के साइज वाले प्लैनेट्स नहीं बन पाए होंगे। लेकिन फिर जुपिटर सामने आ जाता है। हमारा मानना है कि प्लैनेट की ये पहली जनरेशन सोलर सिस्टम में एक बड़े से ऑब्जेक्ट के माइग्रेशन की वजह से यंग सन की सरफेस की तरफ पुश कर दी गई हो। ये ऑब्जेक्ट था जुपिटर। सोलर सिस्टम के पैदा होने के कुछ मिलियंस ईयर्स बाद प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की ग्रेविटी ने जुपिटर की स्पीड कम कर दी और ये घूमते हुए सन की तरफ आने लगा। अंदर की तरफ आने के वक्त इसने एस्टेरॉइड्स और डेब्रीज की वेव्स को सुपर अर्थ्स की तरफ पुश किया और इस इनकमिंग डेब्रीज से जायंट प्लैनेट की ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर दिया। कुछ तो एक दूसरे से टकराकर चूर चूर भी हुए होंगे और कुछ दूसरे सन की तरफ धकेले गए होंगे। इस प्लैनेटरी डिस्ट्रक्शन के बाद जुपिटर को न्यूली फॉर्म्ड सैटर्न की ग्रेविटी ने फिर बाहर खींच लिया। अब जो सोलर सिस्टम बचा होगा, उसमें सॉलिड और गैसियस मटेरियल नहीं बचे होंगे। उस जगह पर ये मलबा हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स के दौरान जमा हुआ होगा और फिर इससे वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बने होंगे जो आज हमें दिखते हैं। इनर सोलर सिस्टम में अब प्लैनेट बनने शुरू हुए होंगे, लेकिन इनके लिए बची खुची चीजें ही मिली होंगी और उनका साइज अपने प्रेडिसेसर से कहीं छोटा, एटमॉस्फेयर कहीं थिन और प्रेशर्स काफी कम रहे होंगे। इन्हीं में शामिल है हमारा प्लैनेट अर्थ। इस सेकेंड जनरेशन प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती थी। हम काफी टाइम से उन अलग अलग फैक्टर्स को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी प्लैनेट पर लाइफ के होने को पॉसिबल बनाते हैं। इस जगह को गर्म होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। हो सकता है हमें एक नया प्लैनेट मिला हो या फिर किसी सेकंड जनरेशन प्लैनेट में रहने की एडवांटेजेस ज्यादा हो। अगर ये सच है तो फिर हमारे प्लैनेट की कमाल की बर्थ स्टोरी शायद इसकी वजह बताए कि हमें इंटेलिजेंट लाइफ वाली और ज्यादा दुनियाएं नजर क्यों नहीं आती। शायद अर्थ ने ही सारे रूल्स को तोड़ा हो।
हो सकता है कि हमारा अपना ये सोलर सिस्टम एक एक्सेप्शन हो। अगर अपने सोलर सिस्टम को देखें तो कौन सा प्लैनेट सबसे वियर्ड होगा? सबसे वियर्डेस्ट प्लैनेट होगा अर्थ। हमने अब तक अपनी गैलेक्सी में जिन हजारों प्लैनेट को ढूंढा है उनमें से सबसे अजीब सबसे अनोखा वो है जिस पर हम खड़े हैं, क्योंकि इसने एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इवॉल्व होने का परफेक्ट एनवायरनमेंट दिया है जो ये सवाल पूछ सकता है कि इससे अमेजिंग क्या होगा। फिलहाल अर्थ यूनिवर्स में एक अजीब सी चीज जैसी लगती है, क्योंकि अब तक यूनिवर्स में हमें और कहीं लाइफ नहीं मिली है, लेकिन हमने ढूंढना बंद नहीं किया है और शायद हम खुद को गलत साबित कर दें। हो सकता है कि यूनिवर्स में मौजूद बिलियंस ऑफ वर्ल्ड्स के बीच एक और ऐसा प्लैनेट हमें मिल जाए जिसने लाइफ को पैदा किया हो, इंटेलिजेंस को नर्चर किया हो और एक ऐसी स्मार्ट सिविलाइजेशन बनाई हो जो खुद ही खुद को खत्म ना कर दे। बस तभी हम जान पाएंगे कि क्या वाकई अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है।